हेलो दोस्तों, दिस इज अमित सोना। वेलकम बैक टू माय चैनल अमित 207। तो आप सब जानते हैं कि मैं मेरा चैनल में नए स्मार्टफोन और स्मार्टफोन एक्सेसरीज का अनबॉक्सिंग करता हूं, साथ में मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं। तो आपका अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा ऐसा वीडियो आप तक ऐसे ही पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ फिर एक नया स्मार्टफोन। तो इस बार स्मार्टफोन जो है वो है वीवो की तरफ से, और ये है वीवो वी सीरीज़ का एक नया पेशकश। तो वीवो वी सीरीज जो है जाना जाता है अपना खूबसूरत डिज़ाइन और बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं लेके आया हूँ वीवो का वी सीरीज़ का नया फ्लैगशिप मॉडल जो है वीवो V29 Pro। तो क्या V29 Pro जो है वीवो का एक फ्लैगशिप वी सीरीज़ का फ़ोन एक बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस लाता है एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ? आइए जानने का कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं V29 Pro का डिज़ाइन से। तो अगर इसका डिज़ाइन देखते हैं तो ये बिल्कुल लास्ट ईयर का जो V27 Pro था उसी से ये इंस्पायर्ड हुआ है। तो काफ़ी आइडेंटिकल डिज़ाइन लगता है और साथ में लाता है सारे V27 Pro का फीचर और एट द सेम टाइम कुछ नए फीचर्स विद बेटर कैमरा इन्हेंसमेंट और फास्टर चार्जिंग। अगर मैं V27 Pro और V29 Pro को साथ में अगर देखता हूँ तो डिज़ाइन वाइज उतना अलग नहीं लगेगा, यानी सेम ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, मिनिमल बीजल्स और काफ़ी स्लीक टॉल एलोंगेटेड फ्रेम है। थिकनेस है सिर्फ 7.46 mm का और इसका वेट है अराउंड 186 grams। और ये खूबसूरत डिज़ाइन को कम्प्लीमेंट करता है इसका ये खूबसूरत दो कलर्स। तो फर्स्ट कलर है इसका हिमालयन ब्लू। ये एक ग्लॉसी ब्लू कलर है और वीवो का कहना है कि ये हिमालयन से इंस्पायर्ड है, एक इंडियन टच और फील देने का कोशिश किया गया है। जी देखते हैं तो काफ़ी यूनिक 3D पार्टिकल्स दिखाई देता है जो इसका बैक को शिमरिंग अपीयरेंस दे रहा है। तो आपको ये कलर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो कलर है इसका वो है स्पेस ब्लैक। रेस्ट ऊपर की तरफ देखते हैं तो प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा है जो इसका पोर्ट्रेट कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट करता है। सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है यहाँ पर। इस साइड देखते हैं तो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। बॉटम देखते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे चीज़ है जैसे डुअल सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। रेस्ट इस तरफ देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो इसका अगर मैं ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में देखता हूँ तो इन हैंड फील काफ़ी स्लिम लाइट है। ये फ़ोन जैसे आप हाथ में पकड़ोगे आपको काफ़ी स्लिम लगेगा, लाइट लगेगा। और एक तरफ से देखते हैं तो ये काफ़ी सुंदर मुझे लग रहा है। अगर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीवो V29 Pro सेम डिस्प्ले के साथ आता है जो है 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले। ये एक फुल HD प्लस 1.5 कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन है 1260x2800 पिक्सल्स का, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो है और 453 का PPI डेंसिटी। 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इंक्लूड करता है 100% कलर गैमट ऑन द DCI-P3 स्केल। और रेस्ट HDR 10 प्लस का सपोर्ट है और 1300 nits का पीक ब्राइटनेस यहाँ पर आपको मिलता है। डिस्प्ले में देखते हैं तो और एक विजुअल एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा जो है 2160Hz PWM डिमिंग। ये बेसिकली इम्प्रूव करता है कलर रेंडरिंग और कॉन्ट्रास्ट, यानी जब आप YouTube, Netflix वीडियोस वगैरह देखते हो तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी और विविड और इंगेजिंग लगेगा। डिस्प्ले देखते हैं तो डिस्प्ले बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है। यहाँ पर आप कुछ भी देखते हो जैसे YouTube वीडियोस वगैरह हो, Netflix वगैरह देखते हो तो काफ़ी इमर्सिव है। और मुझे ये डिस्प्ले काफ़ी पसंद आ रहा है और मेरा जो इसमें वीडियो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी शानदार रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो काफ़ी फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव है। वीवो V29 Pro आता है फ्रंट टच OS 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13। तो फ्रंट टच OS 13 बहुत सारे पर्सनलाइजेशन लाता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी और भी इन्हेंस करता है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नीट है, स्मूथ है और आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम पर। वीवो V29 Pro आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 4nm प्रोसेसर के साथ। वीवो V27 Pro में भी आता था
तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर कंप्लेन नहीं है। ये डे टू डे टास्क हो या कोई ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स हो, ये काफ़ी इजीली हैंडल कर सकता है। तो प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1X कोर्टेक्स A78 क्लॉक्ड एट 3.1 GHz, 3X कोर्टेक्स A78 क्लॉक्ड एट 3.0 GHz और 4X कोर्टेक्स A55 क्लॉक्ड एट 2 GHz का आपको आर्किटेक्चर मिलता है। बाकी GPU परफॉर्मेंस के लिए है यहाँ पर माली G610MC6 जो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देता है और कोई भी गेम खेलते हैं जो जितना भी इंटेंसिव हो ये GPU आराम से हैंडल कर लेता है। हीटिंग इश्यू भी नहीं होगा क्योंकि इसमें है अल्ट्रा लार्ज वेपर चैम्बर बायोनिक कूलिंग सिस्टम जो काफ़ी अच्छा फ़ोन को कूल रखता है। तो ओवरऑल जो कूलिंग एरिया है वो है 3527 mm², जो एक्सटेंडेड गेमिंग सेशन में भी फ़ोन को कूल रखने में कामयाब हो जाता है। तो परफॉर्मेंस का बात करते हैं तो काफ़ी डिपेंडेबल है, मल्टीटास्किंग गेमिंग एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। लास्टली लेट्स लुक एट द बेंचमार्क स्कोर। वीवो वी सीरीज का फ़ोन जो है कैमरा का मामले में हमेशा स्टैंड आउट करता है। तो V29 Pro का भी कैमरा स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको प्राइमरी 50 MP विथ F1.88 का एपर्चर विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 MP अल्ट्रावाइड सेंसर विथ F2.2 का एपर्चर, 12 MP पोर्ट्रेट सोनी IMX663 सेंसर विद F1.9 एपर्चर। और नेक्स्ट कैमरा सेटअप का हाईलाइट है ये ऑरा लाइट जो है 15.6 mm इन डायमीटर और आता है 3-dimensional लाइटनिंग इफेक्ट के साथ। ये नॉर्मल फ्लैश से 9 times लार्ज है जो 36% और ब्राइटनेस देता है अगर Vivo V27 Pro से हम लोग कंपेयर करते हैं। कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है फ्रॉम 1800K वार्म लाइट टू 4500K कोल्ड लाइट। तो कैमरा परफॉर्मेंस देखते हैं तो इनडे लाइट और वेल लिट कंडीशंस में बहुत ही अच्छा है, स्पेशली HDR एनेबल करते हैं तो काफ़ी अच्छा डायनेमिक रेंज मिलता है। 2x जूम करते हैं तो परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है, लाइटनिंग डिटेल्स और डायनेमिक रेंज इंटैक्ट रहता है। 12 MP पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और एज डिटेक्शन एक्सेलेंट है। लो लाइट फोटोग्राफी देखते हैं तो लो लाइट फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छा है, इमेजेस में काफ़ी डिटेल्स है और नॉइज बहुत कम है और OIS के कारण से लो लाइट स्टेबलाइजिंग में काफ़ी मदद मिलता है। नाइट मोड भी है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है अगर पूरी तरह अंधेरे में शॉट्स लेते हैं, फोटो को काफ़ी इन्हांस करता है मगर प्रोसेसिंग डिले यहाँ पर आपको फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वीडियोग्राफी में आप वीडियो ले सकते हैं अप टू 4K एट 60 FPS का। सेल्फी के लिए यहाँ पर है 50 MP ऑटो फोकस फ्रंट कैमरा विद F2.0 का एपर्चर। ओवरऑल अच्छा लाइट कंडीशंस में परफॉर्मेंस अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा एज डिटेक्शन के साथ आता है और 4K एट 60 FPS तक का सेल्फी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी फीचर्स देखते हैं तो 4600 mAh का बैटरी है, 80W फास्ट चार्जिंग के साथ जो 50% चार्ज आपको लगभग 20 मिनट्स में दे देगा और 100% इन अबाउट 45 मिनट्स। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिया गया है, कोई IP रेटिंग भी यहाँ पर नहीं है। अगर मैं कंक्लूड करता हूँ तो यहाँ पर Vivo V29 Pro Vivo V सीरीज को सही दिशा में जरूर ले जा रहा है, यानी ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है और कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पर फास्टर चार्जिंग भी दिया गया है और यहाँ पर देखते हैं तो प्रोसेसर सेम यूज़ किया गया है और ओवरऑल फ़ोन का लुक एंड फील भी आपको लास्ट ईयर का Vivo V27 Pro का याद जरूर दिलाएगा, यहाँ पर थोड़ा निराश जरूर करता है। तो स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 39999 फॉर बेस वेरियंट, ये ओवरऑल अच्छा पैकेज आपको जरूर देगा। तो एक स्लीक स्लिम डिज़ाइन विथ स्टेबल कैमरा परफॉर्मेंस Vivo V29 Pro आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स गुड बाय, टिल वी मीट अगेन।